नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला जापान की उस चीज़ 2011 के सुनामी की बात है, जिसमें लाखों संख्या से लोगों की आत्महत्या हो चुकी थी और 6000 लोग घायल हो चुके थे। तो गाइस, ये बात है जापान की कि जापान में ये सब छोटी बातें कि ज्वालामुखी आना, सुनामी आना बहुत छोटी आम बात है, बट इसमें लाखों करोड़ों के नुकसान हो गए थे। तो ये वीडियो बताने के स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो गाइस, ये सुनामी जो आई थी इसमें लाखों करोड़ों के जो नुकसान हुए थे, वो उस चीज़ में बात करने वाला, कितने लाखों लोगों के घर तबाह हो चुके थे, गरीबी आ चुकी थी और जितने लोग मरे थे उनका क्या हुआ। तो गाइस, ये चीज़ में बात करने की घर वाले जितने आधे से ज़्यादा घर वाले मर चुके, यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हो गई थी ये सुनामी की वजह से। और ये सुनामी आम बात है क्योंकि ये सब पूरा सर्कल में मिला हुआ है, तो जापान में वोल्केनो आना, सुनामी आना ये आम बात है, पर ये देखिए कि कितने गंदे तरीके से मौत और ये सब तरीके से। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो वोल्केनो आया था वो रात को 9 बजे जनवरी 2011 में आया था, तो उसने 9 बजे रात को आया था और वो सुबह 5 बजे तक पूरे जापान को हिला दिया था। आप देख सकते हो कि उसने कैसी हालत किया था। तो आपको ये पता चलने के लिए आपको ये सब वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको पता चले कि जापान में ऐसे लोग भी हैं जो इतनी सारी तकलीफ झेल के भी रह रहे। और गाइस, स्पीड में इतने आया था कि उसने पूरे एरिया को तबाह कर दिया था, जो सरफेस थे जापान के 100 में से उसने 80% पूरे सरफेस को उसने क्लीन कर दिया। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसे अपडेट चाहिए तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करें। शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।